उत्तराखंड का सामाजिक तानाबाना बिगाड़ने के साथ साथ उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़ पर भी प्रहार करने की साजिश रची जा रही है। साजिश के तहत उत्तराखंड के पर्यटन कारोबार में मुसलमानों को घुसपैठ कराई जा रही है। उत्तराखंड के टूर एंड ट्रेवल्स के कारोबार में भी मुसलमानों ने बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है। साजिश की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि जो मुसलमान अचानक से पर्यटन कारोबार में उभर कर सामने आ गए हैं, उनकी आर्थिक हालत कुछ वक्त पहले तक अच्छी नहीं थी, फिर अचानक से पैसा कहां से आने लगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि इन लोगों को बाहर से फंडिंग मिलती है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम कब्जा कर रहे पर्यटन कारोबार फंडिंग और साजिश के आसार। पहली रिपोर्ट देख लीजिए, मेहमान जुड़ेंगे, उनसे इसी मसले पर चर्चा करेंगे। पहले लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद, आबादी जिहाद और अब देवभूमि में टूरिज्म जिहाद। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद और आबादी जिहाद के बाद अब टूरिज्म जिहाद की नापाक साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। इस साजिश के तहत पूरी प्लानिंग के साथ उत्तराखंड के पर्यटन कारोबार में मुस्लिमों की घुसपैठ कराई जा रही है। देवभूमि के गढ़वाल और कुमाऊं यानी दोनों मंडलों में इसका असर दिखाई दे रहा है। हालात ये हैं कि उत्तराखंड के ज्यादातर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और लॉज पर मुस्लिम कारोबारियों का कब्जा हो गया है। मुसलमानों को इस घुसपैठ के लिए बाहर से फंडिंग मिल रही है। मुस्लिमों ने स्थानीय कारोबारियों से ऊंची कीमत पर होटल और लॉज लीज पर ले लिए। कुछ साल पहले तक जो होटल स्थानीय लोग चला रहे थे वो अब मुसलमान चला रहे हैं। बीते 5 सालों को देखें तो इनमें ऐसे कई लोग उभरे हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। होटल और लॉज को लीज पर लेने वाले कई मुसलमान आर्थिक तौर पर कमजोर थे। आर्थिक तौर पर कमजोर होने के बावजूद होटल को लीज पर लेने में सबसे ऊंची बोली लगाई गई, इसीलिए साजिश की बू भी आ रही है। आशंका है कि इन्हें बाहर से फंडिंग मिलती है। खुफिया एजेंसियों ने कई लोग यूपी और कई लोग नेपाल के चिन्हित किए हैं। पर्यटन कारोबार पर कब्जा करने के बाद मुसलमानों ने स्थानीय हिंदुओं का रोजगार छीन लिया। होटल में पहले वेटर, कुक और सफाई कर्मी स्थानीय हिंदू थे, लेकिन अब बाहरी मुसलमान हैं। होटल लॉज में काम करने वालों के नाम ऐसे रखे गए हैं जिसे किसी को शक न हो। जानकारी के मुताबिक ये लोग अपने हाथों में कलावा भी बांधते हैं ताकि पकड़ में न आए। रहने की व्यवस्था पर कब्जा जमाने के साथ साथ यातायात व्यवस्था पर भी मुसलमानों का कब्जा होता जा रहा है। टूर एंड ट्रेवल्स के कारोबार में भी मुसलमानों ने बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है। हल्द्वानी से लेकर चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ तक इनके कार्यालय खुले हुए हैं। इनके पास लग्जरी गाड़ियों की अच्छी रेंज है जिसे स्थानीय हिंदू कारोबार छोड़ रहे हैं। नैनीताल जिले में अधिकतर टैक्सियां मुसलमान समुदाय के लोग चला रहे हैं। खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हैं कि आखिर इन्हें फंडिंग कहां से मिल रही है और इनका मकसद क्या है। गौरतलब है कि देवभूमि में रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है और इन इलाकों से हिंदू पलायन कर रहे हैं। इन इलाकों में मुसलमानों की आबादी भी तेजी से बढ़ी है। ये तमाम बातें साफ इशारा कर रही हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।